हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवीज बोल्ट। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 2021 की हाईएस्ट पेड हॉलीवुड एक्टर्स की, यानी उन एक्टर्स की जिन एक्टर्स ने 2021 में अपने मूवीज के थ्रू बहुत सारे पैसे कमाए हैं। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे 10th हाईएस्ट पेड एक्टर हैं रायन गॉसलिंग, जिन्होंने $20 मिलियन यानी 148 करोड़ रुपए कमाए हैं अपने मूवी के थ्रू, जिसका नाम है द ग्रे मैन, जो 2022 में ही रिलीज होने वाली है। इस मूवी के अंदर केवल आपको रायन गॉसलिंग ही नहीं देखने को मिलेंगे, इस मूवी के अंदर आपको क्रिस इवांस, जिन्हें हम कैप्टन अमेरिका के नाम से जानते हैं, वो भी देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ इसके अंदर साउथ के और इंडिया के बहुत बड़े सुपरस्टार धनुष भी देखने को मिलेंगे। इस मूवी की अभी तक कहानी के बारे में तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं चला, खाली इतना ही पता है कि इसके अंदर हमें एक सीक्रेट एजेंट की कहानी देखने को मिलेगी। इस मूवी का बजट 1500 करोड़ रुपये होने वाला है, जो कि एक काफ़ी अच्छा खासा बजट है। ये नेटफ्लिक्स की आज तक की सबसे महंगी मूवीज़ में से एक होने वाली है। हमारी 9th हाईएस्ट पेड एक्टर हैं सैंड्रा ब्लॉक, जिन्होंने 2021 में $20 मिलियन यानी 148 करोड़ रुपीज़ कमाए हैं अपने फिल्म लॉस्ट सिटी ऑफ डी के थ्रू, जो मूवी 2022 में ही रिलीज होगी। ये एक एक्शन कॉमेडी मूवी होने वाली, एडवेंचर मूवी होने वाली है, जिसके अंदर आपको कहानी देखने को मिलेगी एक नॉवलिस्ट की, जो सैंड्रा होती हैं, ये काफ़ी अच्छी अच्छी नॉवेल्स लिखती हैं। ये एक फिक्शनल नॉवेल लिखती हैं जो द लॉस्ट सिटी के बारे में होती है, लेकिन ये लोगों को बताती है कि ये नॉवल बिल्कुल असली है, इसके अंदर जो लिखा है वो सब कुछ बिल्कुल असली है, जिसकी वजह से कुछ लोग जो काफ़ी समय से लॉस्ट सिटी को ढूंढ रहे हैं, वो लोग इनको उठाकर ले जाते हैं किडनैप करके, ताकि ये उनके लिए उस लॉस्ट सिटी को ढूंढें। आगे क्या होता है वो तो आप इस मूवी के अंदर ही देखिए। ये मूवी जब रिलीज होगी। हमारी 8th हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हैं जूलिया रॉबर्ट्स, जिनका जन्म हुआ था 28 अक्टूबर 1967 को, यानी ये अभी 53 इयर्स की हैं, लेकिन इनको देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये 53 साल की हैं। इन्होंने 2021 में $25 मिलियन की कमाई की है, यानी 186 करोड़ रुपए की कमाई की है अपनी एक मूवी को साइन करके, जिसका नाम है लीव द वर्ल्ड बिहाइंड, जो नेटफ्लिक्स पे ही रिलीज होगी। इस मूवी की अभी तक स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ तो मुझे नहीं पता, खाली इतना पता कि ये द रोमन अलोन की नॉवल के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर कहानी देखने को मिलेगी हमें एक फैमिली की, जो घूमने के लिए कहीं पे जाती है, लेकिन अचानक से एक बहुत भयानक ब्लैकआउट होता है, जिसकी वजह से हर तरह के कम्युनिकेशन ठप हो जाते हैं, यहाँ तक कि रेडियोज भी काम नहीं करते। ऐसे में फैमिली किस तरह सर्वाइव करती है, वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। हमारी 7th हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस है जेनिफर लॉरेंस, जिनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1990 को, यानी ये अभी 31 साल की हैं। इन्होंने 2021 में $25 मिलियन यानी 186 करोड़ रुपीस कमाए हैं अपनी मूवी को साइन करके, जिसका नाम है डोंट लुक अप, जो एक नेटफ्लिक्स की मूवी है, जो रिलीज हो चुकी है नेटफ्लिक्स पे, और ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है। इसके अंदर आपको कहानी देखने को मिली है एक मीट्रॉयड की, जिसको डिस्कवर करती है जेनिफर लॉरेंस। इनको पता लगता है इस मीट्रॉयड के बारे में, और ये मीट्रॉयड 6 से 10 किलोमीटर लंबा है, यानी उस मीट्रॉयड से भी बड़ा है जिसने डायनासोर को ख़त्म कर दिया था। इट मीन्स ये पूरी पृथ्वी को ख़त्म करने वाला है। ये इस बारे में सब लोगों को बताने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कोई भी इनकी बात को सीरियसली नहीं लेता, हर कोई बस अपने बारे में सोच रहा होता है, कोई भी दुनिया के बारे में नहीं सोच रहा होता। ऐसे में क्या होता है अर्थ का और क्या होता है जेनिफर लॉरेंस का, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। इस मूवी को आप हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। हमारे 6th हाईएस्ट पेड एक्टर हैं मार्क विलबर्ग, जिनका जन्म हुआ था 5 जून 1971 को, यानी ये अभी 50 साल के हैं। इन्होंने 2021 में $30 मिलियन यानी 223 करोड़ रुपए की कमाई की है अपनी एक फिल्म को साइन करके, जिसका नाम है स्पेंसर कॉन्फिडेंशियल, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी 2021 में। इस मूवी के अंदर आपको कहानी देखने को मिलेगी एक पुलिस वाले की, जो कुछ पुलिस वालों को मारता है बहुत बुरी तरह, जिसके बाद उसे जेल जाना पड़ता है, जो मार्क विलबर्ग ही होते हैं, लेकिन काफ़ी साल बाद ये वापस निकलते हैं जेल से, और जिन पुलिस वालों को शुरुआत में इन्होंने मारा था, जिसकी वजह से जेल पहुँच जाते हैं, वो लोग मारे जाते हैं, जिसकी वजह से हर किसी को ये लगता है कि उनकी मौत के पीछे इन्हीं का हाथ है। आगे किस तरह अपने आप को बेगुनाह साबित करते हैं, वही आपको इस मूवी के अंदर देखना होगा। आप इस मूवी को इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर। हमारे 5th हाईएस्ट पेड एक्टर हैं लियोनार्डो डी कैप्रियो, जिनका जन्म हुआ था 11 नवंबर 1974 को, यानी ये अभी 46 साल के हैं। इन्होंने 2021 में $30 मिलियन यानी 223 करोड़ रुपए कमाए हैं डोंट लुक अप मूवी को साइन करके, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की जब हम जेनिफर लॉरेंस की बात कर रहे थे तब। इस मूवी की स्टोरी बताने की मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि मैं पहले इस मूवी के बारे में आपको बता चुका हूँ। बस आप इतना सोचिए कि जिस मूवी के अंदर लियोनार्डो डी कैप्रियो जैसे अमेजिंग एक्टर होंगे, वो मूवी कितनी कमाल की होगी। डेफिनेटली ये मूवी बहुत ज़्यादा कमाल की, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। ये मूवी हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आपको इस मूवी को समझने में कोई भी समस्या नहीं होगी। हमारे 4th हाईएस्ट पेड एक्टर हैं डेंजल वॉशिंगटन, जिनका जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1954 को, यानी ये अभी 66 साल के हैं। इन्होंने 2021 में $40 मिलियन कमाए हैं यानी 297 करोड़ रुपीज़ कमाए अपनी मूवी द लिटिल थिंग्स को साइन करके, जो कि अमेजॉन प्राइम की मूवी है, जो कि इंग्लिश में अवेलेबल है। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई दो डिटेक्टिव्स की, जिन लोगों को तलाश एक सीरियल किलर की, जो बहुत सारे लोगों के मर्डर्स कर रहा है। आगे क्या होता है वो तो आप इस मूवी के अंदर ही देखिए। हमारे 3rd हाईएस्ट पेड एक्टर हैं विल स्मिथ, जिनका जन्म हुआ था 25 सितंबर 1968 को, यानी ये अभी 52 ईयर्स के हैं। इन्होंने 2021 में $40 मिलियन कमाए हैं
यानी 297 करोड़ रुपीस कमाए अपनी मूवी किंग रिचर्ड को साइन करके। इस मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई एक फादर की, जिसका गोल बिल्कुल क्लियर होता है कि उसे अपनी दोनों बेटियों को दुनिया का सबसे बेस्ट टेनिस प्लेयर बनाना है, और इसके पास उसके लिए एक प्लान भी तैयार है। इसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट इतना नहीं है, इतना पैसे वाला नहीं है, लेकिन उसके बाद भी किस तरह ये अपनी बेटियों को दुनिया के सबसे बेस्ट टेनिस प्लेयर बनाता है, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, इस कहावत का मतलब आपको पता चलेगा इस मूवी को देख कर कि कैसे एक गरीब बाप ने अपनी बेटियों को दुनिया के सबसे बेस्ट टेनिस प्लेयर बनाया है। हमारे सेकंड हाईएस्ट पेड एक्टर हैं ड्वेन जॉनसन, जिन्हें हम द रॉक के नाम से भी जानते हैं, जिनका जन्म हुआ था 2 मई 1972 को, यानी ये अभी 49 ईयर्स के हैं। इन्होंने 2021 में 50 मिलियन डॉलर की कमाई की, यानी 372 करोड़ रुपए की कमाई की है अपनी मूवी रेड नोटिस के थ्रू। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मूवी के अंदर गैल ग्रॉट और रैन रेनॉल्ड्स भी थे, लेकिन उनका नाम यहाँ पे क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने 20 मिलियन डॉलर के करीब की कमाई की थी, इसी वजह से वो इस लिस्ट के अंदर नहीं है। ड्वेन जॉनसन को सबसे ज्यादा पैसे मिले उस मूवी के अंदर, 50 मिलियन डॉलर मिले हैं, जो कि बहुत ज्यादा है, लेकिन उन लोगों को इतने नहीं मिले, इसलिए वो हमारी लिस्ट के अंदर नहीं है। अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो इसके अंदर कहानी दिखाई गई 3 अंडों की, जो कि बहुत बेशकीमती अंडे होते हैं, लेकिन ये कभी भी एक साथ तीनों किसी को भी नहीं मिले। लेकिन हमारे मूवी के हीरोज ने ठाना है कि वो इन तीनों अंडों को एक साथ लाएंगे, क्योंकि उन्हें इसके बदले हजारों करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। आखिर ये लोग किस तरह इस इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करते हैं, वो आप इस मूवी के अंदर देखिए। ये काफ़ी अच्छी इंटरटेनिंग मूवी है, जो हिंदी में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए, बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अब हो सकता है आप लोग शॉक्ड हो जाएं फर्स्ट नंबर के एक्टर के बारे में सुन के, क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि फर्स्ट नंबर पर यह एक्टर हो सकता है, जिनका नाम है डैनियल क्रेग। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इन्हें नो टाइम टू डाई मूवी के लिए यहाँ पे रखा गया? नहीं, नो टाइम टू डाई मूवी के लिए इन्हें सिर्फ 25 मिलियन डॉलर मिले थे, लेकिन इन्हें 100 मिलियन डॉलर मिले हैं उस मूवी को अगर हटा दें दूसरी मूवी के लिए, जिसका नाम है नाइव्स आउट। अब आप सोच रहे होंगे नाइव्स आउट मूवी तो 2019 में आई थी, तो हाँ वो मूवी 2019 में भले ही आई हो, लेकिन इन्हें 100 मिलियन डॉलर यानी 744 करोड़ रुपये मिले हैं नाइव्स आउट मूवी के सीक्वल्स के लिए, यानी सेकंड और थर्ड पार्ट के लिए, क्योंकि इन्होंने 2021 में साइन की है नाइव्स आउट मूवी का सेकंड और थर्ड पार्ट भी, जिसके अंदर हमें ये दिखने वाले हैं, तो इसीलिए इनको 744 करोड़ रुपए मिले हैं। सो गाइस, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।